पप्पू यादव खुद एक ब्रांड है और कोसी सीमांचल के लिए ये ब्रांड जो है ना आप लोग देखेंगे 4 जून को कि कितने बड़े कितने तादाद में और कितने अपार मतों से जन जीतते हैं आप लोग देख लेंगे। क्या बोलना है तेजस्वी यादव बोल रहे हैं या तो इंडिया को या एनडीए को, पप्पू यादव का नाम नहीं लिए। वहाँ जो है ना पागल हो गया, होली से पहले भांग खा लिया था, होली से पहले पागल हो गया था। आपने नहीं उतरा है उनका? नहीं उतरा, नीतीश कुमार गजा पी के स्टेज पे चढ़ता है, तेजस्वी यादव भांग खा के होली से पहले भांग का नशा में था। ठीक बोल रहे हैं? हाँ एकदम ठीक बोल रहे हैं। पप्पू जीतेंगे, पप्पू यादव जिंदाबाद। यहाँ मोदी जी आ गए, नीतीश कुमार आ गए, तेजस्वी कैंपेन कर रहे हैं। मेरा पंचायत भी गया था, वहाँ पर विरोध करके आए हैं उसका। है इतना विरोध? इसका विरोध ये है, सिर्फ क्या यहाँ नौवी फेल समझे पूर्णिया की जनता को। संतोष कुशवाहा कह रहे हैं कि पप्पू जी रंगदार हैं, उनको मत जिताइए। पप्पू जी रंगदार रहता तो हम लोग पागल थोड़ी हैं जो धूप में हम लोग घूम रहे हैं। कि यादव और मुस्लिम जो है उनका खरीदा हुआ है आरजेडी का जी। और ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसका पूरी तरह से सफाया है, कहीं दूर दूर तक नहीं है उसका, कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम लोग आम जनता हैं, एक पैसा ना तो पप्पू यादव ना किसी का लेकर के आज 15 दिन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। गरीबों का मसीहा है, अच्छा नेता है, जिनको आना है आ जाए। तेजस्वी आया, मुख्यमंत्री आया, प्रधानमंत्री आया, 42 गो विधायक आया, और कोई बचा है तो आ जाओ पूर्णिया। पप्पू यादव का टक्कर में कोई नहीं है। पप्पू मैं हो गया, पप्पू मैं ऐसा काहे हो रहा है पप्पू मैं? इसलिए गरीबों के हम दर्द है पप्पू यादव। हाँ। जहाँ जिस तरह की दुख घटना कोई होता है, पीड़ितों की मानव सेवा करना उनके जीवन का ध्येय है। अच्छा। और सबसे बड़ा गरीबों का मसीहा पप्पू यादव। हाँ। इसीलिए पूरे पूर्णिया के लोगों ने इतिहास रचने के लिए जा रहा है। लाइव में पहली बार ये देखे हैं हम लोग कि कम से कम 70 विधायक और मंत्री जो है पूरे भारत से यानी पूरे बिहार से आके जो ना हमारा हॉट सीट में आके बैठा हुआ। बीमा भारती का जमानत जब्त तो हो जाएगा। मैं तेजस्वी यादव से खुलेआम कहता हूँ, आपको जितना पावर लगाना है लगा लीजिए, आप अपना एम हुआ का समीकरण जितना दिखाना है, जितना जुटलाना है जुटला दीजिए, जनता कोई आपका बहकावे में नहीं आएगा और पप्पू यादव ही ऐसे जीतेगा। एम वाई या लालू जी का माय फूट गया, एम वाई फूट गया। यहाँ कोई फैक्टर नहीं है, कोई क्या फैक्टर? पप्पू यादव कोई लालू जी नीतीश जी मोदी जी का फैक्टर नहीं है। यहाँ सभी लालू जी नीतीश जी को चाहने वाले लोग दिल से पप्पू यादव को चुन लिए हैं। भारी दोपहरी और दोपहरी में पप्पू यादव के सैनिक मोटरसाइकिल से जुलूस लेकर निकले हैं और उनका कहना ये है कि पूर्णिया में अगर कोई है तो वो पप्पू यादव है, उसके अलावा कोई नहीं है। और हमने सोचा कि चलिए इन लोगों से बात करके जाना जाए कि पप्पू यादव का माहौल इतना क्यों बना है और जो बात ये लोग कह रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है। क्या कह रहे थे बोलिए? लाइव में पहली बार ये देखे हैं हम लोग कि कम से कम 70 विधायक और मंत्री जो है पूरे भारत से यानी पूरे बिहार से आके जो ना हमारा हॉट सीट में आके बैठा हुआ। लेकिन आप लोगों को हम ये कह देना चाहते हैं कि पार्टी कोई मायने नहीं है। पप्पू यादव खुद एक ब्रांड है और कोसी सीमांचल के लिए ये ब्रांड जो है ना आप लोग देखेंगे 4 जून को कि कितने बड़े कितने तादाद में और कितने अपार मतों से जन जीतते हैं आप लोग देख लेंगे। क्या बोलना है? मेरा बोलना यही है, यहाँ मोदी जी आ गए, नीतीश कुमार आ गए, तेजस्वी कैंपेन कर रहे हैं। मेरा पंचायत भी गया था, वहाँ पर विरोध करके आए हैं उसका। है इतना विरोध? इसका विरोध ये है, सिर्फ क्या यहाँ नौवी फेल समझे पूर्णिया की जनता को। संतोष कुशवाहा कह रहे हैं कि पप्पू जी रंगदार हैं, उनको मत जिताइए। पप्पू जी रंगदार रहता तो हम लोग पागल थोड़ी हैं जो धूप में हम लोग घूम रहे हैं। हाँ। हम लोग पागल हैं। कितना वोट से जीतेंगे? कितना वोट से? रिकॉर्ड मत से जमानत जब्त होगा आरजेडी का, संतोष कुशवाहा का। क्या बोलते हैं, क्या नाम है आपका? 3 लाख फारूक। नाम क्या है? मोहम्मद फारूक। मोहम्मद फारूक जीतेंगे? 4 लाख वोट से। मोटरसाइकिल दिखाई, क्या नाम है भैया? पुष्पेश यादव नाम हुआ मेरा। पुष्पेश यादव जी, ये जो लोग कहता है कि यादव जी लोग लालू जी का वोटर है तो आप लोग तो अलग काम कर रहे हैं। देखिए गलत काम नहीं कर रहे इन लोग। नहीं, एक एक आदमी एक एक मिनट बोल लीजिए, सुनिए। ये भ्रम उन लोगों का था कि यादव और मुस्लिम जो है उनका खरीदा हुआ है आरजेडी का जी। और ये चीज आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। उसका पूरी तरह से सफाया है, कहीं दूर दूर तक नहीं है उसका, कहीं दूर दूर तक नहीं है। हम लोग आम जनता हैं, एक पैसा ना तो पप्पू यादव ना किसी का लेकर के आज 15 दिन से हम लोग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए काम कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं। ये आम जनता की पुकार है, यहाँ कोई जातिवाद नहीं है। जाति धर्म से ऊपर उठ करके लोग यहाँ पर आ चुके हैं, जाति धर्म से ऊपर उठ करके। और ये सभी लोगों का भूल है,
वो आपको 26 तारीख के रिजल्ट। क्या नाम है भैया? मेरा नाम नीतीश यादव है। नीतीश जी केकरा वोट देंगे? पप्पू यादव। काहे देंगे? गरीबों का मसीहा है, अच्छा नेता है। हाँ। जिनको आना है आ जाए। तेजस्वी आया, मुख्यमंत्री आया, प्रधानमंत्री आया, 42 गो विधायक आया, और कोई बचा है तो आ जाओ पूर्णिया। हाँ। पप्पू यादव का टक्कर में कोई नहीं है। तेजस्वी यादव बोल रहे हैं या तो इंडिया को या एनडीए को, पप्पू यादव का नाम नहीं लिए। वो जो है ना पागल हो गया, होली से पहले भांग खा लिया था, होली से पहले पागल हो गया था। आपने नहीं उतरा उनका? नहीं उतरा। नीतीश कुमार गजा पी के स्टेज पे चढ़ता है, तेजस्वी यादव भांग खा के होली से पहले भांग का नशा में था। जी ठीक बोल रहे हैं? हाँ एकदम ठीक बोल रहे हैं। पप्पू जीतेंगे? पप्पू यादव जिंदाबाद। पप्पू यादव अपार वोट से जीतेगा। पूरा आप लोग हिला दिए, पूरा भारत का सबसे हॉट चूट बन गया है, पूर्णिया पूरा हिल गया। जितना वोट जो है ना संतोष कुशवाहा बीमा भारती को आएगा, मिलाकर दोनों आदमी दोनों को मिला के जितना आएगा उनसे दो गुना वोटों से हमारा नेता पप्पू यादव जो है ना लीड करेंगे, जीतेंगे पूर्णिया से। मैं जितना दोनों को आएगा उसे डबल से जीतेंगे। हाँ डबल से जीतेंगे। और बीमा भारती का जमानत जब्त हो जाएगा। मैं तेजस्वी यादव से खुलेआम कहता हूँ, आपको जितना पावर लगाना है लगा लीजिए। आप अपना एम वा का समीकरण जितना दिखाना है, जितना जुटलाना है जुटला दीजिए। जनता कोई आपका बहकावे में नहीं आएगा और पप्पू यादव ही यहाँ से जीतेगा। नाम है जी अपना? नाम है, नाम बताइए। मोहम्मद बरकत। क्या बोलते हैं बरकत जी? जो अपने आप को बड़ा नेता समझते हैं, जो पूर्णिया में डेरे डाले हुए हैं और गली गली घूम रहे हैं एक आम कार्यकर्ता का जैसा, और पप्पू यादव एक जमीन से जुड़े हुए नेता है, उनको घूमने का भी जरूरत नहीं पड़ता है। जिस तरह से तेजस्वी यादव घूम रहे हैं। क्या नाम है? आशुतोष यादव। आशुतोष यादव क्या कहते हैं? बोले पप्पू मैं हो गया, पप्पू मैं। ऐसा काहे हो रहा है पप्पू मैं? इसलिए गरीबों के हमदर्द है पप्पू यादव। जहाँ जिस तरह की दुख घटना कोई भी होता है, पीड़ितों की मानव सेवा करना उनके जीवन का ध्येय है। अच्छा। और सबसे बड़ा गरीबों का मसीहा पप्पू यादव। हाँ। इसीलिए पूरे पूर्णिया के लोगों ने इतिहास रचने के लिए जा रहा है। जात पात सब खत्म, सारा खत्म, सबसे ऊपर पप्पू। जात पात धर्म भेदभाव की दीवारें समाप्त हो चुकी है पूर्णिया में। अच्छा। सिर्फ पप्पू यादव। दिखाइए झंडा पल, दिखाइए ये देखिए भाई साहब को। पप्पू यादव जिंदा। बतिया ले, बतिया ले। नाम बताइए। नीरज यादव। नीरज यादव जी पप्पू यादव जीतेंगे? पप्पू यादव ने साबित कर दिया है कि नेतागिरी से काम नहीं चलेगा, रोड पर उतर कर जनता का सेवा करना होगा। पूर्णिया की जनता जिंदाबाद पप्पू यादव। लालू जी 15 में बोले थे कि यादव फूटे वाला हो, यादव फूट गया। यादव एम वाई या लालू जी का माय फूट गया, एम वाई फूट गया। यहाँ कोई फैक्टर नहीं है। कोई क्या फैक्टर? पप्पू यादव कोई लालू जी नीतीश जी मोदी जी का फैक्टर नहीं है। यहाँ सभी लालू जी नीतीश जी को चाहने वाले लोग दिल से पप्पू यादव को चुन लिए हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए? अभी जो है बनमनखी प्रखंड में हम अभयराम चकला का मुखिया है। अच्छा, हाँ। और अभयराम चकला में आग लगा। हाँ। अभी तुरंत अभी पता लगाइए। इटहरी है, 14 नंबर वार्ड है, और अभी जो है उसका पूरा राशन पासन पहुंच गया पप्पू यादव की तरफ से। तो पप्पू यादव मरेगा किसके तरफ मरेगा बताइए? तेजस्वी यादव जी के काफिला से एक महिला, दलित महिला की मर्डर हो गया एक्सीडेंट में, उसको देखने पप्पू यादव जी पहुंचे। और किसी भी घटना में सबसे पहले पप्पू यादव जी पहुंचते हैं। पप्पू यादव जी के काफिला में मर्डर हुआ, उस महिला का गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया। जुलाकर ये लोग पप्पू यादव के भक्त है। मोदी कोई फैक्टर नहीं, नीतीश जी कोई फैक्टर नहीं, लालू यादव कोई फैक्टर नहीं, तेजस्वी यादव भी कोई फैक्टर नहीं। ना जात देखा जाएगा ना धर्म। और पूर्णिया फिलहाल कह रहा है कि देश की सबसे हॉट सीट अगर हम है तो ये साबित करके बताएंगे कि क्यों है, और एक निर्दलीय प्रत्याशी को जिताकर दिल्ली जरूर भेजेंगे। धन्यवाद।